दोस्तों, ट्रेन में सफर करने वाले नशा गिरोह काफी लोगों को अपना शिकार बना रही है। यह अब नए तरीके से पुलिस वालों को भी अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं आखिर कैसे नशा गिरोह ने पुलिस हवलदार को भी अपना चंगुल में फंसा लिया। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सफर में ऐसी गलती भूलकर भी नहीं कीजिएगा। छोटी सी भूल के वजह से यात्री भी इसके शिकार बन जा रहे हैं। दिन पर दिन ये लोगों को फंसाने के तौर तरीके को भी अपडेट कर रहे हैं ताकि लोगों को भनक भी ना लगे और इसके चंगुल में आसानी से फंस जाए। पहले नशा खिलाने वाली गिरोह लोगों को किसी बहाने कुछ खिला देते थे जिससे कि लोग थोड़ी देर बाद सो जाते थे और ये सब यात्रियों के सभी सामानों को लेकर ट्रेन से फिरार हो जाते थे। लेकिन नशा खिलाने वाली गिरोह अब नया तरीका ढूंढ लिया है जिससे कि ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को थोड़ा भी भनक नहीं लग रहा है और लोग आसानी से इसके चंगुल में फंस जा रहे हैं। तो आप जब भी ट्रेन में सफर करें तो सावधान रहें और यह वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी यात्रा के दौरान सावधान रहे और ऐसी गलती कभी भूलकर भी ना करें। दोस्तों, न्यूज आर्टिकल के अनुसार एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें ये लोग पुलिस हवलदार को भी अपना शिकार बना लिया है और बताया जा रहा है कि उनको पटना के PMCH में 3 दिन के बाद होश आया। काफी दिनों तक इलाज करना पड़ा। इसके बाद इस संबंध में उन्होंने रांची रेल थाना में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराई। उन्होंने यह भी बताया कि उनके खाते से 1,13,000 रुपया और 2,50,000 का सोने का चैन और 12,000 रुपया नकद, साथ ही साथ ATM, पैन कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण कागजात जो भी थे वो भी लेकर फरार हो गए। अब इनको पकड़ने के लिए आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। दरअसल ऐसा हुआ था कि 18 सितंबर को पाटलिपुत्र एक्सप्रेस रात के लगभग 10:30 बजे रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलने के लिए तैयार हुई। उस ट्रेन से एक पुलिस हवलदार को हाथीदार रेलवे स्टेशन जाना था। ट्रेन खुलने से पहले वह जनरल डब्बा में पहुंच गए। उसके बाद ट्रेन खुल गई तो उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति सोया हुआ था। तब उस आदमी ने उन दोनों से कहा कि भाई साहब, सीट पर उठकर बैठ जाइए ताकि हम भी बैठ जाएं। तब उनमें से एक ने कहा, भाई ऊपर वाला सीट खाली है, ऊपर में जाकर सो जाइए, हम ऊपर वाले सीट को चेक कर रखे हैं, मेरा गमछा वहीं बिछा हुआ है। तो पुलिस हवलदार ने कहा, भाई अपना गमछा ले लो, हम अपना कुछ बिछा के सो जाएंगे। पर दोनों उठा के सो गया और कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने गमछे को समेट कर सिरोने के पास रख दिया और सो गया। फिर उन्हें जब 2 दिन बाद होश आया तो देखा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, ट्रेन के सफर में इस तरह की घटनाएं देखने सुनने को मिल रही है। सो ट्रेन के यात्रा में आप भी सावधान रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन को प्रेस कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।